असलम वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल और बेटा आज हमारे पास अपने मैट्रिक क्लास का जो आपका यूनिट फाइव है बेटा रिस्पेक्टिंग सेल्फ अदर अदर्स बेटा से हमने पार्ट वन पढ़ना है इसका मतलब जो इसमें चैप्टर वगैरह मौजूद है इस यूनिट में हम बेटा वो पढ़ेंगे वो चैप्टर है अ बैड ड्रीम ठीक है रीडिंग एंड एक्सप्लेन है बेटा एक्सक्यूज है एंड देन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने ये पढ़ना है सो लेट स्टार्ट अच्छा भाई क्या लिखा आ रहा है ये छुक 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 ये वो ट्रेन के चलने की आवाज नहीं है वो बता रहे हैं द ट्रेन वॉज स्लोली मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन एवरी वन वॉज वेरी एक्साइटेड Mr. Aziz and his family were finally on their way for a long awaited trip. They had planned and waited for his, this holiday for nearly three months. They were very happy as Mr. Aziz's brother, Mr. Karim, and his family had also decided to accompany them. The two families got along very well together. They often went on picnics together, but this was the first time they had decided to spend ten days together. <laughs> बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस ट्रिप का और उन्होंने प्लान भी किया हुआ था तीन महीने पहले से तो कह रहे हैं बहुत खुश थे जब मिस्टर अजीज के जो भाई थे मिस्टर करीम भी उनके साथ और उनकी मिसर करीब जो मिस्टर अजीज के भाई मिस्टर करीम और मिस्टर करीम की फैमिली भी उन्होंने ज्वाइन किया इनको ठीक है और कह रहे हैं ये दो फैमिलीज़ जो है मतलब कि आपस में इनकी बहुत अच्छी बनती थी और कह रहे हैं कि वो अक्सर पिकनिक्स पर जाया करते थे लेकिन ये पहली मतलब ऐसा हुआ था कि दोनों फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि वो टेन डेज दोनों एक साथ गुजारे ठीक है आएगा लिखा भाई एवरी वन वॉज इन अ गुड मूड दे हैड बुक द होल कंपार्टमेंट इन द ट्रेन विच हैड एन अटैच बाथरूम the elders were walking about the village that they had planned to visit. the children were playing cards and joking and teasing each other. mr. karim asked his brother what kind of house he had bought and whether it was near the station. mr. aziz said that the house was far from the station and was situated near the fields to enable them to truly appreciate and enjoy village life. they would have to hire a van to get to the house. <laughs> और कह रहे हैं उसका एक अटैच बाथरूम भी था भाई और कह रहे हैं जो जो उनकी फैमिली के जो बड़े बुज़ुर्ग थे जो मतलब बड़े बुजुर्ग नहीं मतलब जो बड़े थे मतलब जो एल्डर्स थे जो बड़े लोग थे वो क्या कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई क्या करेंगे कहाँ रहेंगे विलेज वगैरह में क्या विजिट करेंगे और कह बच्चे जो कार्ड्स खेल रहे थे और तफरी मजाक कर रहे थे एक दूसरे को तंग कर रहे थे कह रहे मिस्टर करीब ने अपने भाई से पूछा कि भाई किस तरह घर बुक करा कराया और कहाँ पर है वो तो जो मिस्टर अजीज़ ने कहा अपने भाई को बताया कि भाई जो आ, जो घर है ना वो स्टेशन से दूर है और खेत वगैरह जो वहाँ वहाँ मौजूद है ताकि वो प्रॉपरली तौर पे एक विलेज लाइफ को एंजॉय कर सके और कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि उनको क्या करना पड़ेगा एक वैन हायर करनी पड़ेगी ताकि जो उनको स्टेशन से घर तक लेके जा सके उस विलेज में अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास द जर्नी पास वेरी कंफर्टेबली इन द बॉन्डिंग दे रीच पटनी एवरी वन वॉज एक्साइटेड एज दे गॉड ऑफ द ट्रेन द स्टेशन वॉज स्माल स्मॉल इंडस्ट्री They were only one potter uh, there was only one porter at the station who helped them unload their luggage. He asked them where they wanted to go. When Mr. Aziz told him he looked at him in a strange manner, are you sure, sir? He asked. Yes, yes, yes. Yes, Mr Aziz. Yes, Mr Aziz said. <laughs> Take यस सैड मिस्टर अजीज़ अच्छा क्या लिखा है कि जर्नी जो है पूरा उनका सफ़र बड़ा अच्छा था गुजरा उनका और कह रहे सुबह में वो क्या वो पटनी पहुँच गए मतलब कि ये दरअसल वो स्टेशन का नाम था हर कोई बहुत एक्साइटेड था वो ट्रेन से उतरे वो लोग सारे के सारे और स्टेशन जो छोटा सा स्टेशन था वो और मट्टी रस्सी वगैरह था कह रहे वहाँ पर उतरे तो वहाँ पर सिर्फ एक पॉडर कोली एक था जो सामान वगैरह कैरी करके लेकर आया ठीक है और उसने लगे से कराया और उससे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं तो मिस्टर अजीज़ ने बताया वो कहाँ जा रहे हैं तो उससे ना उस पॉडर ने उनको देखा बड़ी हैरानी से अजीब के भाई क्या वाकई वहाँ जा रहे हैं जहाँ आपने बताया कह रहे हैं हाँ भाई वहीं जा रहे हैं हम लोग अच्छा भाई आप क्या लिखा भाई दॉर टुक दूट साइड ही लुक अराउंड एंड फाउंड्राइवर ही टोल हिम वेयर दिसन ड्राइवर सर हीस्टैंड सेम क्वेश्चनिंग दिस पीपल एनी वे दे पुट दियर लगेज इन द वैन एंड दे ऑल्सो गॉट इन कह रहे हैं जो पॉटर था ना और जो उनका सामान बाहर लेकर गया उनके लिए वैन ढूंढी वैन ड्राइवर और फिर उसने वैन ड्राइवर को बताया कि भाई इन्होंने कहाँ पर जाना है तो ड्राइवर ने भी बड़े अजीब तरीके से डरा वो तो वो डरा हुआ था उसने पूछा कि भाई मिस्टर अजीज से पूछा कि हाँ भाई आपने क्या वहीं पर जाना है तो मिस्टर अजीज़ थोड़ा हैरान हुए कि यार मुझसे ये सवाल ड्राइवर ने ही पूछा और अभी थोड़ी देर पहले को नहीं पूछा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं खैर क्या हुआ उन्होंने अपना वैन वगैरह में अपना सामान रखा और वो फिर वैन में बैठे अब चल पड़े वो लोग वहाँ से On the way, Mr. Aziz told the driver that they had rented the house for 10 days. The driver told him that the people of that area believed that the house was haunted. Mr. Aziz laughed and said that he did not believe in such stories. When they reached the house, they quickly unloaded their baggage, uh, paid the driver, and went in. They did not find anything strange about the house. In fact, they liked it as it was big and airy with a nice view of the fields and the village. There were three bedrooms in it. Mr. and Mrs. Aziz took one room, Mr. and Mrs. Karim took the other, and the children took the third room, which was the biggest room of all. They unpacked their belongings and after a light lunch they went out and looked around the garden. In the evening they had an early dinner and everyone went to bed as they were all very tired. Can I have Mr. Aziz in a driver? तो ड्राइवर ने उनको बताया कि दरअसल उस जगह के जो उस एरिया के जो लोग हैं ना उनका मानना है कि जो घर है ना जहाँ वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं वो हॉन्टेड है लाइक वहाँ जो असरात वगैरह मौजूद है तो मिस्टर अजीज़ ने कहा वो हंसे है उन्होंने कहा भाई मैं इन कहानियों पर यकीन नहीं करता खैर वो घर पहुँचे और उन्होंने अपना सामान वगैरह रखा ड्राइवर को उसकी पेमेंट करी अंदर चले गए और उनको ना घर के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा बल्कि उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत बड़ा घर था हवादार था और उसका व्यू बहुत अच्छा था कह रहे हैं तीन कमरे थे तीन बेडरूम थे मिस्टर और मिसेस अजीज एक रूम में चले गए मिस्टर और मिसेस करीम ने एक रूम ले लिया और बाकी जो तीसरा रूम था ना जो सबसे बड़ा रूम था वो सब बच्चों को एक रूम वाला दे दिया थी ठीक है खैर उन्होंने अपना सामान वगैरह अनपैक किया वहाँ रखा उन्होंने बहुत लंच किया उन्होंने और फिर वहाँ गार्डन वगैरह में गए और रात में क्या हुआ उन्होंने जल्दी खाना खा लिया और सब के सब ना सोने के लिए चले गए क्योंकि सब के सब तो थके हुए थे ठीक है क्योंकि वो अभी पहुँचे थे तो उन्होंने कहा पहले आराम कर लेते था भाई ठीक है अब क्या देखे हमारे पास अगला द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरी वन गॉट गॉड ऑफ अर्ली After breakfast they went out into the fields they where they met some people from the village. When they told these people where they were living, the villagers were shocked. Some of them even told them to leave before the ghost harms them in, in some way. They just laughed and told the people that there was no such thing as ghosts. The villagers shrugged and said, May Allah protect you. And so the days passed, they enjoyed the clean air of the village and fresh vegetables from the fields. They all felt relaxed and did not want to go back. A week passed and then strange things started to happen. कह रहे अगली सुबह क्या हुआ भाई कि सब के सब जल्दी उठे नाश्ता वगैरह किया बाहर गए खेतों वगैरह में लोगों से मिले और लोगों ने जब उनको उन्होंने जब लोगों को बताया ना वो कहाँ रह रहे हैं? तो वो विलेज वो जो वहाँ के लोग थे बड़े शौक़ हुए उन्होंने कहा भाई कि आप लोग ना घर छोड़ के चले जाएँ इससे पहले कि आपको कोई वहाँ के जो जसरात वगैरह आपको नुकसान वगैरह पहुँचाएँ ठीक है थीके? तो खैर वो हंसते लगे और उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं होता तो विलेज ने कहा ठीक है भाई फिर अल्लाह आपकी हिफात करें और फिर कहने के दिन गुजरते गए और कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया क्लीन जो हम की हवा थी बड़ी साफ़ सुथरी थी वहाँ पे उन्होंने वेजिटेबल्स वगैरह खाई वहाँ पर कह रहे हैं कि बड़े बड़े पुरसकून तरीके से रह रहे थे और उल्टा वो तो उनका दिल लगा हुआ था यहाँ पर कह रहे हैं एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते के बाद बड़ी अजीब वीरीब चीज़ें होना शुरू हुई अच्छा वो चीज़ें क्या थी ऑन द सेवन नाइट मिस्टर करीम वॉज स्लीपिंग वेरी पीसफुली सडनली ही ही फेल्ट दैट पुलिंग थॉट इट अ कैट सो ही पुल्ड अप एंड स्लीप अगेन द सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम ही पुल्ड द अप एंड हेल्ड इट टाइटली हिज हेड एंड फीट

लेकिन जब उन्होंने इस तरह किया ना तो उनको लगा कि वो उनका बेड खींच रहा है अब वो डर के मारे उठ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है खैर उनको खैर थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ आ, और खैर लेकिन वो नहीं बैट डर के मारे ठीक है अब क्या लिखा आगे The the next evening, he 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 told the whole to to his brother and his wife, but but nobody believed him. They they said it was nothing. He was nothing. just trying to fool them. He tried to convince them, tried convince but they just laughed it off. Oh, डॉटॉट क्या अगली रात क्या हुआ कि उन्होंने पूरी की पूरी मतलब जो है ना बताया सब कुछ कि भाई अपने भाई को और मतलब उनकी उनकी जो मतलब की मतलब की जो वाइफ थी उनको बताया कोई उन पर यकीन नहीं, लिने नहीं, लिने नहीं लिने लिने। तो कर रहा वो बोलने नहीं मतलब कि बस कोई क्या बता माला कर रहा होगा तुम जो है ना मतलब ऐसे खैर उन्होंने बात को मतलब आय कर दिया कि भाई ठीक कुछ भी नहीं हुआ तुम तुम्हारा वहम वगैरह है

कह रहे हैं उन्होंने क्यों कमर्स वगैरह खाए फ्रेश जो थे आ, पानी वगैरह में साफ करके धो के उसको कह रहे हैं वापसी आते हुए जो है ना मिस्टर करीम ने कहा कि भाई मैं जो ना अभी वापस नहीं जाना चाह जा रहा मैं जरा अब मैं थोड़ी एक लॉन्ग वॉक पे जाऊँगा फिर वापस से आऊँगा तो सारे के सारे वापस चले गए और मिस्टर करीम अपनी वॉक पे निकल गए ठीक आगे लिखा हुआ क्या वाइल ही वॉज वॉकिंग मिस्टर करीम वॉज इंसिडेंट ऑफ द प्रीवियस नाइट ही वॉज डीप इन थॉट वैन ही फेल समिंग बिहान इन ही लुक बैक बट डिट नॉट सी एनी वन इट वॉज गटिंग डार्क मिस्टर करीम स्ट्रेंच फीलिंगलीकिंग बैक टू वर्ड्स द हाउस But then a strange thing happened. The head jumped and blocked his way. He quickly changed his route again and went to the other side but the head jumped on the other side. Mr. Karim just did not know what to do. He was too scared to think as he was alone and no one was there to see him. He just closed his eyes and started running towards the house. After a while, breathing heavily, he stopped and opened his eyes. Opened his eyes. He looked back along the path. There was nothing. He began to walk as fast as his looks could carry him and reach the house. Can I make कि अब जब वो वॉक कर रहे थे ना मिस्टर करीम को ऐसा फील हुआ कि कोई उनकी मतलब कि ना आ, कुछ मतलब वो सोच रहे थे कि कल रात मेरे साथ हुआ क्या है तो कह रहे हैं कि अब जब वो अपनी सोच में घूमते हैं ना उनको लगा कि उनके पीछे चल रहा है तो उन्होंने पीछे देखा कुछ भी नहीं कोई लेकिन कुछ था ही नहीं और अंधेरा भी हो चुका था क्योंकि शाम में तो निकले तो अंधेरा हो चुका था उनको बड़े अजीब वगरी फील हुआ तो कह रहे हैं वो ना दूसरे साइड पर चलने लगे और स्टार्टिंग वो घर की तरफ जाने लगे लेकिन क्या वो एक बड़ी अजीब वरी चीज़ हुई कि एक ना एक जो हैड था ना एक सर वो उस उस सर ने ना उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया ठीक है अब रास्ता जब उस सर ने ब्लॉक किया तो हुआ क्या भाई अब जब वो सर था ना जब रास्ता ब्लॉक किया ना उसने एक पूरे सर ने तो उन्होंने कहा कि अपना रास्ता चेंज छोड़ लिया दूसरी साइड पर चले गए लेकिन वो सर जो है ना जंप करके कर दूसरी साइड पर आ गया अब मिस्टर करीम को ना ये नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करें तो वो बहुत डरे हुए थे और वो अकेले भी थे कोई था भी नहीं वहाँ पे उनके साथ तो उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद करी और आंखें बंद करके ना घर की तरफ भागना शुरू कर दिया थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आँखें खोली रुके उनकी सांस फूल रही थी और उन्होंने देखा तो कुछ था ही नहीं वहाँ पर और पहले फिर वो डर बोरा वो बस जितनी जल्दी वो जा सकते थे घर पहुँचे वहाँ पर उन्होंने घर पहुँचे वहाँ भाई ठीक है अब क्या हुआ कि वंस इन साइड ही क्विकली शट द डोर ही लीन अगेंस्ट अ क्लोज डोर फॉर अ टू कैच एंड स्लोली वेंट वेयर द द रेस्ट ऑफ फैमिली वर रिलैक्सिंग एंड चैटिंग टीक मिसन दिसम देंड लुक ऑन फेसिनेट थॉट ही वॉज इमेजिनिंगट देर गोस्ट कह रहे हैं वो अंदर आए तो दरवाजा बंद किया और दरवाजा थी ना टेक लगाकर वो मतलब के बैठ गए सांस बहाल हुआ उनका वो फिर अंदर गए जहाँ पर बाकी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे वहाँ पर चाय वगैरह बिस्किट वगैरह पी रहे थे चाय चाय पी रहे थे बिस्किट वगैरह खा रहे थे और ना बातें वगैरह कर रहे थे जब उन्होंने मिस्टर करीम को देखा तो वो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं तो पूछे क्या हुआ तो उन्होंने वो बैठे मिस्टर करीम उन्होंने बताया क्या हुआ तो दोबारा से उन्होंने उनकी उन्हों बात यकीन नहीं किया उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि तुमने ना जो लोग बातें कर रहे थे ना तुमने उनके बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ बैठ बैठ गई है अच्छा ऑन द लास्ट नाइट ऑफ दियर विजिट Uh, after the children had gone to bed, Mr. and Mrs. Aziz and, Mr. and Mrs. Kareem were sitting in the dining table talking about their visit to village when a hair rising occurrence stunned them. An empty chair opposite Mr. Kareem's chair and beside Mrs. Aziz's chair uh, was, uh, pulling, pulled down, uh, was pulled down and it went in uh, a bit as if someone had sat on the chair.

सामने वाली बिल्कुल जो उनके सामने जो शेयर रखी हुई थी और वो शेयर मिस्टर अज़ीज़ के बराबर में थी वो बाहर निकली ख़ुद ब खुद बाखुद और दोबारा से फिर अंदर हो गई मतलब ऐसा लगा कि कोई ना बैठ के जिसने शेयर अंदर करी अब कोई कोई था ही नहीं वहाँ पर तो भाई हुआ क्या कि आ, उनका वो चेयर देखी तो वो एकदम शॉकड उनसे बोला ना जाए और उन सब ने क्या किया चिल्लाना शुरू अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया उन लोगों ने ठीक है अब क्या लिखा हुआ है आगे Actually, Mr. Kareem. Uh, actually, Mr. Kareem, wake up! Next moment, screaming from the sleep, he saw Mrs. Kareem. Uh, besides, the bed. wake up, Mr. Kareem! You better hurry. We are supposed to be leaving for now for our long-awaited trip. Mr. Kareem was taken aback. He astonishingly said, "Are we not there already? The place of horror and horror!" Mr. Kareem has been sleeping all night, and they, and. Uh,

ऑल राइट ठीक है भाई अब ये बैड ड्रीम लिखा हमारे पास अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मिसर ज करीम थे वो मतलब के अगली जो अगले ही मोमेंट ना जब सब कुछ हुआ ये जो चेयर निकलने का वो चिल्ला रहे दरअसल वो सोए हुए थे तो उन्होंने देखा मिसेस करीब ना उनके बेड के सामने ना मतलब के हैं तो उनको उठा रही है क्योंकि उठिए भाई क्या हो गया हमको जाना है हमने छुट्टी पे जाना है अपने जो मतलब वो मतलब जो ट्रिप पे जाना है तो मिस्टर करीम ना बड़े शौक हुए उन्होंने कहा हम क्या वहाँ पर नहीं हैं जहाँ पर हम तब जाओ जो एकदम बिल्कुल इतनी खौफनाक जगह तो मिस्टर करीम दरअसल वो सो रहे थे वो पूरी रात तो अब उनको वो दरअसल अब जाना था उन्होंने तो उनको पता चला कि जो सारे के सारे एक्सपीरियंस है उनका वो ख्वाब था तो मिस्टर करीब ने उनको अपनी बीवी का मतलब कि उनको थैंक यू कहा कि तुमने उनको जो उन्होंने क्या किया उनको ख्वाब से उठाया बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया ऑब्वियसली आई थिंक आप लोगों से मेरा जो चैप्टर का नाम पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि इट वाज ऑल अ ड्रीम आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे ऑलरेडी चलो बेटा हम जरा इसके एम सी क्यू पहले करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास अच्छा एक और बात वही बेटा मैं आपको पहले भी लेक्चर से बता चुका हूँ हम लोग जो है बस गिनती के कुछ एम सी क्यू डिस्कस करेंगे यहाँ पर और बाकी बेटा आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना होगा पहले लिखा हुआ है इट वज़ अ फर्स्ट टाइम दैट दे हैड डिसाइडेड टू स्पेंड टुगेदर हाउ मच कितना भाई कितनी क्या क्या डिसाइड किया था उन्होंने टेन डेज ठीक है अगला लिखा हुआ है had बुक द होल कंपार्टमेंट इन द डैश कहाँ पर पूरा कंपार्टमेंट बुक किया था बेटा इट वॉज इन ट्रेन अगला है द the हाउस had बुक इन village वॉज डैश भाई कहाँ था बहुत दूर था स्टेशन के करीब था गेस्ट हाउस था अवेलेबल अन अवेलेबल एट द टाइम तो बेटा ये था फार फ्रॉम स्टेशन बहुत दूर था अगला है द नेम ऑफ द विलेज स्टेशन वॉज डैश बेटा कौन सी जगह थी वो वो था पटनी अच्छा और भी एम सी क्यूज है मेरे बच्चों बेटा आपने वो खुद सॉल्व करने हैं ठीक है थीके, अब बेटा हम आते हैं इसके इसके जो क्वेश्चन आंसर है बेटा जो आते हैं उसकी तरफ आते हैं वाई वॉज एवरी वन वेरी एक्साइटेड कि हर कोई इतना एक्साइट क्यों था तो बोलने हर कोई इसलिए एक्साइट था क्योंकि मिस्टर अजीज़ उनकी फैमिली मतलब आखिर का ना अपनी जो ट्रिप पे जा रहे थे जो प्लान कर रहे थे और इसके साथ साथ जो है मिस्टर अजीज़ के जो भाई थे ना मिस्टर करीम उनकी अपनी फैमिली ही मतलब कि ठीक है उन्होंने उनके साथ आने का डिसाइड किया और ये दो फैमिली ऐसी थी जो कि इनकी आवाज़ें बहुत बनती थी वो अक्सर पिकनिक पर जाया करते थे लेकिन पहली मतलब ऐसा हुआ था कि ये टेन डेज गुजारने जा रहे थे एक साथ वाट वर द चिल्ड्रन डूइंग इन द ट्रेन के बच्चे क्या कर रहे थे ट्रेन में द चिल्ड्रन ऑफ प्लेंग कार्ड इन कार्ड और लिखा हुआ एंड जोकिंग

अब वो दरअसल हॉन्टेड है उन्होंने ये बात सुनी अच्छा क्वेश्चन फोर का लिखा हुआ है हाउ मेनी बेडरूम्स इन द हाउस एंड हु टूक ईच बेडरूम कि भाई उस घर में कितने बेडरूम थे और हर किसी ने कौन सा बेडरूम लिया तो भाई क्या लिखा हुआ वहाँ पर कह रहे हैं तीन बेडरूम थे उस घर में मिस्टर मिसेस अजीज ने एक रूम लिया मिस्टर मिसेस करीम ने एक रूम लिया और जो बच्चे थे उन्होंने थर्ड रूम लिया और थर्ड रूम था वो सबसे बड़ा रूम था ठीक है अगला लिख के लिखे हमारे पास वट वॉज द रियक्शन ऑफ सम पीपल इन द दिल्ली होम मेट द फर्स्ट डे एंड टॉकड अबाउट दर हाउस कह रहे हैं जो विलेज में जो लोग थे उनका क्या रिएक्शन था जब वो पहली मतलब उनसे मिले और बताया कि हम कहाँ रह रहे हैं तो वह क्या कहा कि जब वो मिले ना उनसे पहली मतलब जब गए फील्ड में मतलब कि वॉक वगैरह करने के लिए वो विजेस से मिले तो वो बड़े शौक हुए उन्होंने जब बताया कि हम कहाँ रहते हैं और इवन के आ, उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करें आप जो है ना आप वहाँ से चले जाएँ इससे पहले कि आपको कोई नुकसान पहुँचे वहाँ पर जो असरात वगैरह मौजूद हैं वॉट हैपन टू मिस्टर करीब ऑन द सेवन नाइट और वाट वॉज द फर्स्ट इंसीडेंट हैपन टू मिसर मिसर करीम के भाई सातवीं रात या जो पहला इसीडेंट हुआ था मिस्टर करीम के साथ वो क्या हुआ तो लिखा हुआ है कि भाई सातवीं रात क्या हुआ मिस्टर करीम बड़े सुकून से सो रहे थे और उनको लगा कि उनका ब्लैकेट खींच रहा है लेकिन उनको लगा बिल लिए तो उन्होंने दोबारा वापस खींच लिया लेकिन सेम थिंग दोबारा हुई तो उन्होंने अब जब सेकेंड टाइम जब ब्लैकेट खींचा ना तो खींच के उन्होंने पकड़ के रख लिया लेकिन जब ये हुआ ना तो उनको लगा उनका बैड को ही खींच रहा है ठीक है अब वो उठ गए उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है और फिर बोल रहे हैं कुछ देर के बाद सब तो कुछ नॉर्मल तो हो गया लेकिन वो सो नहीं हुआ पूरी रात उसके बाद अगला क्या आ रहा है देखो भाई वॉट हैपेंड मिस्टर करीम वन ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स और फिर वॉट वॉज द सेकंड करीम जब वो फील्ड्स uh, वगैरह में वॉक कर रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ ठीक और ये सेकेंड इंसिडेंट मिस्टर करीम के साथ क्या हुआ तो बोल रहे हैं जब वो वॉक कर रहे थे और वो तो ना वॉक करते हुए वो पिछली रात के बारे में सोच रहे थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे चल रहा है तो उन्होंने देखा कोई था ही नहीं मिस्टर करीम को बड़ा अजीब गरीब लगा और वो ना आ, क्या करें उन्होंने दूसरी साइड पर मूव कर गए और ना वापसी घर जाने लगे लेकिन बाद में उनको ना बड़ा अजीब वरीब हुआ एक जो हैड था ना एक सर वो उनके सामने आया सिर्फ सर और उनका रास्ता ब्लॉक कर लिया अब बॉर्डर के बाद उन्होंने रास्ता चेंज किया और लेकिन वो जंप करके उस तरफ भी आ गया तो मिस्टर करीम ने क्या किया आँखें बंद करके भागना शुरू कर दिया ठीक है और जब बाद में पीछे देखा ना कुछ था नहीं वहाँ पर और लिखा भाई, भाई भाई अब वो उसके बाद ना जितनी जल्दी उनकी टाँगें उनको घर तक लेके जा सकती थी, थी वो वहाँ तक गए भाई ठीक है अच्छा भाई आए का लिखा हमारे पास देखो वॉट वॉट द रिएक्शन मिस्टर करीम्स फैमिली वैन ही नरेट द होल इसे मिस्टर करीम की फैमिली का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने बताया अच्छा यहाँ पर हम करीम क्यों लिख सकते हैं लेकिन बेटा हमारे पास क्या है हम क्या करेंगे हम प्रेफर करें हम हम ये स्पेलिंग लिखेंगे ठीक है अच्छा कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन ये था कि जब उन्होंने बताया ना कि मेरे साथ ये हुआ है तो सबने उनका मजाक उड़ाया किसी ने यकीन नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है ना लोगों की बातों में आ गए हो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम ना इमेजिन करो उसी से क्वेश्चन नाइन क्या लिखा भाई कि आखिरी रात क्या हुआ उनकी विजिट पर तो भाई आखिरी रात क्या हुआ था कि आखिरी रात जो है ना जब वो मिस्टर अजीज और मिस्टर करीम मिस्टर और मिसिस अजीज मिस्टर और मिसे करीम जब चार लोग बैठे हुए थे ना तो बात कर रहे थे अपने विज़िट के बारे में अचानक से क्या हुआ कि एक ना एम टी जो खाली चेयर थी ना वो डाइनिंग टेबल पर बाहर निकली और दोबारा अंदर हो गई ऐसा मतलब कि कोई जैसे कोई कोई बैठा है लेकिन वो था ही नहीं ख़ुद बहुत चेयर मूवी तो उनको कोई नज़र नहीं आया सबके सब डर गए एकदम और सब ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ बोल नहीं पा रहे थे ठीक है एंड मेरे बच्चों विद दिस बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर मैं मेरे बच्चों में उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपना बहुत ख्याल लिखेगा बेटा असलम एंड अल्लाह हाफिज़